नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइट न्यूज नेशन। अटल बिहारी वाजपेयी नए नए सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। उन्हें दिल्ली के रामजस कॉलेज में भाषण देने का बुलावा भेजा गया था। सामने की कुर्सियों पर बैठा दो लोग खास थे। दर्शनशास्त्र पढ़ाने वाले अधेड़ उम्र के प्रोफेसर बृजनाथ कौल और उनकी नौजवान पत्नी राजकुमारी। वाजपेयी और राजकुमारी एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों 1941 में ग्वालियर में साथ पढ़ा करते थे। फिर आकर्षण कहीं खो सा गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अगले 16 साल कोई बात मुलाकात नहीं। रामजस कॉलेज में उस दिन एक दूसरे को देखकर दोनों पुरानी यादों में खो गए। उस दिन के बाद से दोनों अक्सर एक दूसरे के घरों में पाए जाने लगे। जब बीएन कॉल रामजस हॉस्टल के वार्डन हुए तो स्टूडेंट्स बाहर खड़ी काली एम्बेसडर कार देखकर समझ जाते थे कि वाजपेयी आए। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कॉल के इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था। इसके बावजूद वाजपेयी के सियासी सफर पर इसका छाया जरूर पड़ा। एक वक्त तो यह परछाई इतनी काली हो गई थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस तक असर जोड़ा। रामजस की उस मुलाकात के बाद वाजपेयी और मिसेस कॉल का एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ता चला गया। वाजपेयी को कॉल की सबसे छोटी बेटी नमिता से खास लगाव रहा। नमिता के घर का नाम गुन्नू था। 2 साल पहले अपनी किताब जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी में पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखक विजय सीतापति ने मिसेज कॉल और वाजपेयी के रिश्ते पर काफी कुछ लिखा। आज की कहानी इसी किताब के हवाले से। दरअसल सीतापति की किताब के अनुसार वाजपेयी और राजकुमारी बौद्धिक स्तर पर एक दूसरे के खासे करीब रहे। उत्तर भारतीय होने के नाते वाजपेयी को पढ़ी लिखी नमिता का आत्मविश्वास हैरान करता था और आकर्षित। राजकुमारी और अटल के बीच राजनीति पर बहस छिड़ती तो दोनों के तेवरों में फर्क साफ दिखता। वाजपेयी के वजनदार शैली के सामने सौम्य बातों से राजकुमारी अक्सर भारी पड़ जाया करती थी। वाजपेयी जहां साधारण परिवार से थे, राजकुमारी कौल समृद्ध कश्मीरी पंडित परिवार और शहरी माहौल से पली बड़ी थी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली राजकुमारी कौल 1960 के दशक में कश्मीरी माफिया से परिचित हुई। पंडित ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों की बटोली जो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द घूमी, फिर इंदिरा गांधी के, राजकुमारी कौल और इंदिरा का खून का रिश्ता था। आरएसएस की राह में राजकुमारी कौल रोड़ा थी। सीतापति की किताब में कॉल परिवार के एक दोस्त के हवाले से लिखा गया है कि आरएसएस को कॉल आंटी से बड़ी प्रॉब्लम थी। वाजपेयी स्टार नेता थे और वे संघ उन पर गर्व करते थे, लेकिन वे आंटी कॉल से बहुत डरते थे। आंटी कॉल का वाजपेयी पर गहरा प्रभाव था। वह बेहद ताकतवर महिला थी। उन्होंने वाजपेयी को भी और सौम्य सेकुलर कॉस्मोपॉलिटिन बना दिया था, यानी कि कॉस्मोपॉलिटिन बना दिया था। उनसे मिलने से पहले वाजपेयी बड़े स्थानीय नेता थे। अगर मिस्टर कॉल को इस रिश्ते से कोई समस्या भी थी भी तो उन्होंने कभी जाहिर नहीं की। 1965 के आसपास की बात होगी। एमएस गोलवरकर आरएसएस के दूसरे सर संचालक ट्रेन पकड़कर नागपुर से दिल्ली आए और सीधे झंडे वाला स्थित आरएसएस ऑफिस पहुंच गए। बैठक बुलाई जिसका एजेंडा था कि मिसेज कॉल के बारे में क्या किया। उस वक्त यूपी प्रांत के प्रचारक बाहू साहब देवरस की राय थी कि जब तक कोई बतंगड़ नहीं बनता ठीक। जनसंघ के कोषाध्यक्ष नानाजी देशमुख की राय जुदा थी। देशमुख ने कहा उन्हें वाजपेयी राजकुमारी कॉल से शादी कर लेनी चाहिए। गोवलकर ने सबकी बात सुनने के बाद वाजपेयी से कहा कि वह मिसेज कॉल से रिश्ता तोड़ दे। उस वक्त मौजूद दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बाद में अपने एक साथी को बताया कि वाजपेयी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। गोवलकर ने वाजपेयी को सजा न देने का फैसला तो किया, मगर आरएसएस के हाईकमान से उन्हें अलग कर दिया गया। अब तक वाजपेयी वही करते आए थे जो संघ ने उनसे कहा, मगर अब खुद संघ ही उनसे दूरी बना रहा। अटल बिहारी वाजपेयी की परछाई रहे लालकृष्ण अडवाणी भी लंबे वक्त के बाद राजकुमारी कौल को जानते थे। हालांकि बाद के दिनों में नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य की बढ़ती ताकत से वह जरूर असहज हुए। मई 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जब अपने गृह मंत्री अडवाणी के घर लंच पर गए थे, उन 4 घंटों के दौरान अडवाणी ने अपना दिल अटल के सामने खोल कर रख दिया। उनका सबसे पुराना दोस्त उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। सीतापति के अनुसार अडवाणी ने शिकायत की
न सिर्फ आपके परिवार के बाकी लोग बल्कि मिसेस कॉल भी मुझे सापनाथ कह रही है। वाजपेयी ने आडवाणी की बात सुनी और फिर अपना दर्द कह दिया। आडवाणी के करीबी क्यों प्रेस में उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ खबरें चरपा रहे हैं? आडवाणी ने जवाब दिया कि उनके निजी दखल की वजह से हमले बेहद तीखे न होकर सामान्य रह रहे हैं। वाजपेयी संदेश समझ चुके थे। आडवाणी और RSS दोनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।